नमस्कार। सरोकार मंच के इस संवाद में आज हम बात कर रहे हैं एसएस बिस्सा साहब से। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हैं और बहुत सक्रिय हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि आप एक वेबिनार कर रहे हैं लगातार, जिसके 170 अंक हो गए। और यह उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि आप महात्मा गांधी के दर्शन पे वेबिनार कर रहे हो। हिंदुस्तान के सभी तरह के विद्वानों को, गांधी के जो विचारक है उन सबको उसमें बुला चुके हैं और वो अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। आज हम आपसे बात करके, और हमारा ये चैनल है वो भी प्रसन्नता अनुभव कर रहा है कि आपने हमें समय दिया। आपके बारे में एक बात जो मैंने पढ़ी है कि आपने एक फिल्म विपिन तिवारी ने जो फिल्म बनाई थी बाहुबली, उसमें आपने गांधी का रोल किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्हें लगा था कि आपके चेहरे से, आपके व्यक्तित्व से, आपके आचरण से कहीं ना कहीं गांधी झलकता है। तो आपको ये रोल दिया, ये हमारे लिए बहुत, राजस्थान के लिए हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी। मैं ये जानना चाहता था कि महात्मा गांधी को लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत सारी अश्लील और अप्रमाणित बातें प्रकाशित की जाती है, जिससे हमारी जो नई पीढ़ी है वो भ्रमित हो रही है। उनको लग रहा है कि जो बातें कही जा रही है, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, वही सच है। ऐसे में जो गांधीवादी है उन लोगों को क्या करना चाहिए कि सच वो लोगों तक पहुंचे? गांधी के संबंध में बात करने के लिए सब लोग मुक्त हैं। मुक्त इन दी सेंस, ये बात नहीं ऐसी ऐसी बात करना तो अच्छी बात नहीं है, पर गांधी इतने ट्रांसपेरेंट हैं कि गांधी की पुस्तकें देख करके और गांधी की खुद की आत्मकथा देख करके लोगों को लगता है, अरे गांधी ऐसे, गांधी ऐसे, क्योंकि गांधी ने कुछ छिपाया ही नहीं। गांधी ने कुछ छिपाया नहीं, इसीलिए गांधी के जितने ज्यादा प्रशंसक हैं उतने क्रिटिक भी हो जाते हैं। और जो लोग अपने आत्मकथाओं देकर गुडी गुडी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो उनके लिए तो उनको कुछ मिलता नहीं, तो बनाना पड़ता है। गांधी ने कुछ बातें को अपनी खुद की ऐसी लिख दी है तो लोगों को लगता है गांधी ने खुद लिखा है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि गांधी के तो सत्य के प्रयोग हैं, वे सत्य के प्रयोग हैं। इसलिए जो ऐसी बात करते हैं उनको समझाना चाहिए कि आप जिस गांधी के संबंध में बात कर रहे हैं कृपया उसको पूरा पढ़िए। गांधी ने कोई अपने बारे में ऐसी बात लिख भी दी है तो प्रयोगात्मक रूप से वो करने की बात है, और उसके साथ न करने का संकल्प है। इसीलिए प्यारे लाल जी ने ये कहा कि गांधी के जो कार्य हैं, गांधी की अहिंसा हो, गांधी का सत्य हो, गांधी का कुछ भी हो, वो एरर टू एरर, एरर टू ट्रुथ और ट्रुथ टू ट्रुथ की यात्रा है। ठीक है, तो इसीलिए जब तक उसको पूरा नहीं पढ़ते तब अर्ध सत्य को लेकर के कुछ बात कह देते हैं। उनको समझाने की आवश्यकता है, ये गांधी की एक लाइन सुन करके मत करिएगा कि गांधी ने ऐसा किया था। वो ऐसा ही है जैसे कि मैं तुम्हें अभी कुएं में पटक दूंगा अगर तुमने गोली चलाई तो, अब गोली चलाई तो या कुआ हुआ तो क्या मतलब हुआ? अभी हम देख रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चालू हो गया, और कुछ समय से यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा था, और भारत में भी हम देखते हैं नफरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में जो गांधी जी का संदेश है अहिंसा का, वो कैसे लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और लोगों में थोड़ा बदलाव आए और हिंसा के बजाय अहिंसा की तरफ मुड़े लोग? हमास और इसराइल के बीच जो कुछ संघर्ष की बात अभी है, कई पॉलिटिकल कारण है उसके, हम उस पर नहीं जाएंगे। गांधी का संदेश वहां कैसे पहुंचा सकते हैं उसके बारे में हमें एक ही बात करनी चाहिए
कि जो भी इस तरह के हिंसक तत्व हैं उस हिंसक तत्वों को बहुत ही गहराई से बहुत ही डीपली गांधी की फिलॉसफी को समझाने की आवश्यकता है। गांधी ने खास तौर से कहा था कि हिंसा एक पशुत्व का व्यवहार है और हिंसा का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अभी तक उस मानवीय अहिंसक तत्व तक नहीं पहुंच पाया है जहां तक उसे पहुंचना चाहिए और वह पशुत्व वाली हिंसा उसमें अभी तक मौजूद है। उसको समझाने के लिए उन्हें यह बात बतानी होगी कि मनुष्य मूलतः एक अहिंसक प्राणी है, हिंसक प्राणी नहीं है और कोई भी कार्य दुनिया में आज तक हिंसा के बल पर सफल नहीं हुआ है। कितनी ही हिंसा हुई हो, अंततः समझौते की टेबल पर हस्ताक्षर करके ही अहिंसा के रास्ते से ही उसका समापन होता है। बड़े बड़े युद्ध हुए, भले प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, पहले भले बहुत बड़े बड़े डिक्टेटर्स हुए, पर उनके लिए भी अंत में उनका अंत तो जैसे अंत होना था वैसे ही हुआ, किंतु उसके बाद भी समापन जो हुआ हिंसा का एक समझौते की टेबल पर हुआ और यह तय करके हुआ कि हिंसा वह रास्ता नहीं है जो मनुष्य को अपनाना चाहिए। तो गांधी को सिद्धांत को उनको बताना चाहिए कि आप किस तरह से उसको आप अपने जीवन में उतार सकते हो। ये रास्ता आपका पशुत्व का रास्ता है, इसमें चल करके आप कहीं न पहुंचेंगे और ये जो मनुष्य है जो हिंसक प्राणी की तरह लूज कर दिया गया है, लोगों पर छोड़ दिया जाता है, वो हिंसक प्राणी है नहीं, ये बनाया गया है। उन्हें इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से उनके भाव को इनकलकेट करने की आवश्यकता है और जैसे उन्होंने अपनाया है लाठियां पड़ती रही, 25-25 लोग खड़े हो गए, लाइन बना दी, वो गिर गए लाठियों की हिंसा से अंग्रेजों की, दूसरी लाइन आ गई, दूसरी खड़ी हो गई, तीसरी आ गई, साल्ट एजिटेशन की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन हाथ नहीं उठाया, हिंसा नहीं की। आखिर उनको कहना पड़ा क्या करें, हम मारते मारते थक जाएंगे, ये सहते नहीं थकेंगे लेकिन हाथ नहीं उठाएंगे। सही बात। और वो उनको वो जीत किसकी हुई, एक मुट्ठी उठाया और 60 मिलियन रुपीस अंग्रेजों के टैक्स के गए। और उसके आंदोलन कितने कर लेते, गोली चला देते, क्या साल्ट का आंदोलन सफल होता? नो, उनको उनको इस बात का चांस मिल जाता कि और मारो। इसीलिए टाइन बी ने कहा कि गांधी ने क्या किया, ये बता दिया दुनिया को कि जो हिंसा को बिल्कुल छोड़ने को तैयार नहीं है उनको भी अहिंसा के बल पर झुकाया जा सकता है। गांधी का कंट्रीब्यूशन ये है, ये बताया है। सत्याग्रह कैसे किया जाए ये बता दिया। यस, सत्य का आग्रह अहिंसा के रास्ते से बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े तानाशाहों को झुका सकता है। गांधी ने ये दुनिया को दिया और उसके बाद उनके जितने फॉलोअर्स हुए, भले मार्टिन किंग हुए और बराक ओबामा ने कहा कि आई एम लिविंग टेस्टिमोनी ऑफ गांधी, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बिकॉज ऑफ गांधी, क्यों गांधी ने जो कुछ किया असली में हूं। ये बात मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा कि अगर गांधी के सामने अंग्रेज नहीं होकर के हिटलर होता तो वो गांधी को भी गैस चैम्बर में बुनवा देता। मुझे लगा कि ये अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति ज्यादा है और गांधी जी का जो अहिंसात्मक आंदोलन है, सत्याग्रह, उसके प्रति थोड़ा कमजोर सोच के परिणाम। गांधी ने हिटलर को पत्र लिखा, फ्रेंड हिटलर जी,
अपना मित्र बताते हुए उनको पत्र लिखा और उनको हिंसा का रास्ता छोड़ करके और अहिंसा की रास्ता अपनाने पर बहुत अच्छा अच्छे शब्द लिखे और इच्छा जाहिर की कि शायद मैं मिल सकूं आपसे, पर वो चांस नहीं मिला कि वो मिल सकते। और उन्होंने तो आगे बढ़ के कहा है कि मैं आता हूं, मैं मिलना चाहता हूं, लेकिन उस समय उनका बर्नार्ड शॉ से मुलाकात हो गई, चार्ली चैप्लिन से हो गई, हिटलर से मुलाकात नहीं हो पाई। उनका प्रभाव क्षेत्र ये था जिसको ऑरा कहते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि ये जो आपने कथन कहा है कि अगर वो होता उसको गैस चमच बना देता, हो ही नहीं सकता था। एक व्यक्ति का प्रभाव उसको आपको ज्ञात है, जब उससे जॉर्ज पंचम से मिलने के लिए गए थे वहां पर इंग्लैंड में, और जब वो आपने अगर फकीर जिसको कहा था जब वो पहन के जाए मिस्टर मिस्टर गांधी वेयर इज योर ट्राउजर, तो दिस क्लोथ्स वर्न बाय योर किंग आर सफिशिएंट फॉर बोथ ऑफ अस, एंड उनको अंदर जाकर के जब कहा यू वियर प्लस फोर आई वियर माइनस फोर एंड उस क्या करके, और उसे जब बोलने लगे तो प्रभाव ये पड़ा, अरे उनका चित्र है, उनको देख करके ऐसे चकित होने का, उस दुनिया को राज करने वाले का ये उसका ऑरा था। ऑरा का प्रभाव पड़ता है, जिसको अपन कहते हैं ना ये मारवाड़ी में कहता है ये आभा मंडल था, जिसको देख करके किसी अच्छे से अंग्रेजों का जो जज होता था वो कहते कि हुजूर प्लीज एक रुपया दे दो टैक्स का, कुछ तो दे दो, नो नहीं देता तो मैं दे देता हूँ, जरा छोड़ो कोई बात नहीं हो सकता। हाँ मैं नहीं मानता इस बात को कि हिटलर कर सकता, नहीं कर सकता था, पर वो अच्छा पड़ता। बड़ी रोचक बातचीत थी, क्योंकि ये गांधी को अगर ये माना जाए कि हिटलर ऐसा कर देता तो फिर गांधी का सत्याग्रह फेल हो जाता। इसे तो हमारे देश में देखते हैं कि ज्यादातर लोग हैं वो गांधी जी को राष्ट्रपिता मानते हैं, लेकिन आज कुछ लोग हैं वो ऐसा नहीं मानते, तो ठीक है नहीं मानते, और आरटीआई में भी कहा गया कि ऐसा कोई राष्ट्रपिता नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि वास्तव में लोगों को क्या सोचना चाहिए? कहने से वो राष्ट्रपिता है और किसी के न कहने से राष्ट्रपिता नहीं है, ये तो इस प्रश्न का तो कोई जवाब हो नहीं सकता। मैं कारण बताता हूं। देखिए, जो किसी ने कहा कि गांधी जी को नोबेल प्राइज होना चाहिए, 2006 में नोबेल प्राइज कमेटी ने कहा गांधी कैन डू विदाउट नोबेल प्राइज, बट हाउ द नोबेल कमेटी इज स्टिल नोबेल कमेटी विदाउट गिविंग नोबेल प्राइज टू गांधी, दैट इज द क्वेश्चन। उन्हें उनको नोबेल प्राइज हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, लेकिन नोबेल प्राइज कमेटी को उनको नोबेल प्राइज दिए बिना नोबेल प्राइज कमेटी है, ये क्वेश्चन है। तो उनको कोई राष्ट्रपिता कहे न कहे ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि उसके राष्ट्रपिता न कहने पर भी राष्ट्रपिता या न जाने क्या क्या वो है। आरटीआई ने तो कह दिया ऐसा राष्ट्रपिता नाम का कोई, राष्ट्रपति राष्ट्रपिता नाम कुछ नहीं होता। उन्होंने ये भी कह दिया हॉकी नाम का हमारा राष्ट्रीय खेल ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। सही बात, और ये भी बहुत सारी बातें हैं उसके अंदर, तो बहुत सारी आरटीआई लगाते हैं लोग ऐसी। तो गांधी को राष्ट्रपिता न भी कहें, पिता कौन होता है जो दिशा देता है, तो दिशा दिया है उन्होंने, वो आचार्य पिता हैं देश के, इसलिए कहने नहीं कहने से कुछ नहीं होता। वो जो उनका नहीं कहेंगे तो भी वो हैं तो रहेंगे, और हैं कहेंगे तो भी वो रहेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा किसी के कहने से। एक व्यक्तिगत प्रश्न है कि आप गांधी जी को अपना आदर्श क्यों मानते हैं? ये मैं गांधी जी को ही अपना आदर्श नहीं मानता हूं जी, मैं गांधी जी से सिखाने वाले अन्य को भी अपना आदर्श मानता हूं। देखिए आप क्योंकि देखिए ये कोई एक व्यक्ति किसी के सारे व्यक्तित्व में समाहित नहीं हो सकता। मैंने गांधी को, आप पूछेंगे कि आपको कैसे प्रभावित हुआ, वो एक राइट क्वेश्चन रहता है कि कौन गांधी को, अपनी किताबों में पढ़ते हैं थोड़ा सा बस, और कुछ नहीं पढ़ते।
मैंने मैं जब जैसलमेर में दसवीं में हायर सेकेंडरी पढ़ता था, हायर सेकेंडरी में एंट्री हुआ ही था दसवीं क्लास करके, ये 69 की बात है जी। तो वहां पर क्षेत्रीय प्रचार समिति हुआ करती थी एक, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित करी पूरे जिले की, वाद विवाद प्रतियोगिता, कि गांधीवाद से विश्व शांति संभव है। उस समय उसके अगेंस्ट दी मोशन बोलने वाले बहुत थे, उसकी फॉर दी मोशन बोलने वाले कोई मिल नहीं रहा था। तो हमारे गुरुजी थे सौभाग्य मलजी जैन और भंवरलाल जी केवलिया, एक संस्कृत के एक हिंदी के, उन्होंने मुझे कहा कि तुम इस पर बोलो। मैंने कहा गांधी पर ऐसे कैसे बोलेंगे, अभी तो विश्व शांति कैसे होगी, 65 का वार हो चुका था उस समय, 62 पहले हुआ 65 हुआ था, और जैसलमेर प्रभावित था, हमारा तो गांव खाली हो गया था, और ऐसा ऐसा युद्ध हुआ था, नहीं नहीं बिना उसके नहीं हो सकता, मारना चाहिए ऐसा ऐसा। तो नहीं नहीं नहीं, तुम उसके फॉर्थ इमोशन बोलो कि गांधी वास शांति संभव है। कैसे कैसे बोले, किताबें दी पढ़ी मैंने, तो पढ़ी तो मन लगा कि पढ़े पूरी समझ में तो नहीं आई, पर जो भी था मैंने बोला और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला पूरे जिले में। अच्छा। और उसमें मुझे 19 किताबें उन्होंने इनाम में दी, 1900 पढ़ी मेरे पास अभी तक, 1:2 लिखा हुआ, उनमें गांधी आत्मकथा थी और एक गीता प्रवचन थी, उनको मैंने छुट्टियों में पढ़ा और मैं अंडरलाइन करके पढ़ा, गीता प्रवचन अंडरलाइन किया, अभी तो मेरे पढ़ी है। तो आदर्श की बात, ये बात पैदा हुई एक सबसे बड़ी, क्योंकि गांधी के सारे जो आपके सिद्धांत हैं, एक आदर्श मंत्र है, उनको तो आदमी पढ़ नहीं सकता, कह नहीं सकता कि ये सारे वो गांधी ने सारे अपना, इसलिए मैं भी सारे अपनाऊंगा, मैं उनका वो सही है, कोई नहीं कह सकता, कह नहीं सकता, गांधी खुद भी नहीं कह रहे थे, राइट। लेकिन एक लाइन जो मैंने पढ़ी, जो लियो टॉलस्टॉय कोट करते हुए उन्होंने वहां की है, आपके जीवन में जितना दूसरे का श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है उतना ही आपका जीवन निम्न, आपके श्रम का दूसरे लिए जितना ज्यादा उपयोग किया जाता है उतना ही आपका जीवन उच्च। अपने श्रम का अधिक उपयोग दूसरों के लिए करें, नंबर वन। नंबर टू, आप जितने मिनिमलिस्ट हो सकते हुए कम से कम में अपरिग्रह में, अब उस उम्र में 16 साल की उम्र में अपरिग्रह, आप सत्य की बात, क्योंकि स्काउट एनसीसी ये सब कुछ था, उन्होंने जो प्राश्चित जो किया उसमें बताया गया, मैंने कहा ये तो हम स्काउट में बताते हैं कि आपने अगर कुछ सस्ता कुछ झूठ बोला है तो आपको प्राश्चित करना है, ये तो गांधी भी कह रहे हैं, तो अब कैसे करें। तो वो जो पढ़ा तो उसको स्काउट से उनका मुझे एक मिलन सा लगने लगा, ये बात बहुत अच्छी है, गांधी की बात बहुत अच्छी है। फिर गांधी का अपने ग्रह, अहिंसा, सत्य, किसी और, अरे भाई आप ऐसे मत ना, कीड़े पर पैर अगर लग जाए तो देखो तो कोई हिंसा मारना नहीं है। तो मैं जयपुर जब आया तो मैंने चप्पल पहनने छोड़े, अरे मैंने कहा गांधी लग जाए, रिक्शे पर बैठना छोड़ा, ये सब ये करने लगे, अरे मैंने ये लोगों ने पागल हो गया, ये पढ़ाई कॉलेज की करने आया ऐसा ऐसा काम करता है गांधी गांधी, ऐसा ऐसा होने में लगने लगा। गांधी के अतिरिक्त गांधी को करते हुए और राष्ट्रीय संगठन जितने भी थे, जैसे राष्ट्रीय स्वयं संघ भी था, उसमें भी जाता था, इन्हें भी जाता था, सब में करता था काम, कि वहां लाठी जलानी पड़ेगी, बड़ा वो आया। मैंने कहा गांधी का रास्ता तो स्पेशल है, गांधी का रास्ता तो गांधी का है, ये जो अपने घर की बात करते हैं ये बात तो विशेष है, इसको अपनाने में कोई नुकसान तो नहीं है। और क्योंकि उस समय दिनचर्या लिखते थे डायरी, अच्छा, तो असत्य बात लिख नहीं सकते थे सही। अगर ऐसी हो गई तो आप प्रायश्चित करना है, क्या प्रायश्चित करना है कि आंदोलन चलाया, तब एक नैतिक मूल्य स्थापित किया, नैतिकता को बड़ा महत्व दिया, लेकिन देश आजाद होने के बाद अब इस समय हम देखते हैं कि राजनीति में तो आम आदमी के जीवन में तो कुछ तो नैतिकता नजर आ जाती है, लेकिन राजनीति में तो नैतिकता का बिल्कुल ही पतन सा हो गया, जैसे मूल्यहीन हो गया है नैतिकता, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? देखिए
हमारे वांग्मय में कहा गया है, सर्वेशामेव शौचानाम अर्थ अर्थ शौच परम स्मृतम। शुचिताओं में अर्थ की शुचिता परम स्मृतम कही गई है। जहां अर्थ की शुचिता नहीं होती वो अनैतिकता आती है, प्रारंभ वहां से होता है। अब जहां तक नेताओं की उसकी बात है कि बड़े अनैतिकता आ रही है, ऐसा हो रहा है, गांधी ने स्थापित किए थे, देखिए भरत जी, समाज वैसा ही बनता है जैसे लोगों का समाज में सम्मान होता है। सही बात। जैसे लोगों का सम्मान करेंगे समाज वैसा बनेगा। और उसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि गांधी ने बहुत ही जोरदार शब्दों में यह बात कही थी कि साधन की पवित्रता के बिना साध्य पवित्र हो नहीं सकता। सही बात। जिस समाज ने, जिस नेता ने, जिस वो नेता ही नहीं, वो नयन नहीं कर सकता जन जन का, राष्ट्र का, क्योंकि साधन की पवित्रता के बिना जो साध्य प्राप्त किया गया है वो पवित्र हो ही नहीं सकता। नीम की निमोली बोगे तो नीम उगेगा, आम नहीं उग सकता। सही बात। ये सीड एंड ट्री का सिद्धांत है। तो आप ऐसे लोग जिन्होंने अनैतिकता पूर्वक, जिन्होंने अनीति से सफलता पाई और अन्याय से संपत्ति कमाई, उनका अगर समाज में सम्मान होता है तो समाज वैसा बनेगा। और उसके लिए क्या करना है कि आपकी साधनों की पवित्रता मैं नहीं करूं। ये बात। और गांधी ने कहा नहीं, गांधी ने पत्र लिखते थे, चंपारण जाने लगे, चंपारण ने उनको कहा क्या आप कमेंट पर लग, मैं आ रहा हूं, मैं ऐसा ऐसा करूंगा। उन्हें ये क्या कर रहे हो, आप अरेस्ट करो, कर ले तो अरेस्ट, मैं उनको कह बना नहीं जाऊंगा, मैं उनको स्पष्ट कहूंगा ट्रांसपेरेंसी, मैं वहां आऊंगा, मैं ये करूंगा, जो करना है सो करो, मैं अच्छा ये करूंगा और ये नहीं करूंगा, आप चिंता नहीं करना, ये मैं जरूर करूंगा। तो ये बात होती है, ऐसे बता रही बात है जी। मुझे कई बार लगता है कि कुछ लोग है वो गांधी का, महात्मा गांधी का विरोध करते करते अहिंसा, सत्याग्रह, नैतिकता, प्रेम, इनका भी विरोध करने लगते हैं। नहीं, सत्याग्रह का तो कोई विरोध नहीं करता, सत्य का कोई विरोध नहीं करता, अहिंसा का विरोध वही लोग करते हैं जो अहिंसा के बात को समझते नहीं है। मैं अभी कल ही 2 तारीख को सेंट सोल्जर स्कूल में लेक्चर के लिए गया था, उसके बाद ओटीएस में लेक्चर हुआ था, कहीं पर लेक्चर, तो एक प्रश्न करते हैं, गांधी जी ने ये कहा था कि कोई आपको एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तार आग कर दीजिए, मैं कभी नहीं कहा था। ये सत्य है, ये सत्य है, ये जीसस के 7 सिद्धांतों में जरूर आता है, असत्य है। वो पैसिव नॉन वायलेंट नहीं थे, वो एक्टिव नॉन वायलेंट थे, ये नहीं कहा था। और देखिए गांधी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अहिंसा व्यक्ति का गहना है, व्यक्ति के लिए है, राष्ट्र में अहिंसा का सिद्धांत को पालना पूर्णतः तब होगी जब राष्ट्र में सामर्थ्य होगा। शब्द है उनको यंग इंडिया में लिखे हैं, उन्होंने कहा कि फिर आप तो कह रहे हो कि आर्मी होनी चाहिए, मैं चाहता हूं आर्मी न हो, ऐसा समय आएगा जब आर्मी नहीं होगी, जब अगर ऐसे लोगों से अगर आपका मुकाबिल है तो आपको आपके डिफेंस को मजबूत करना पड़ेगा, ये गांधी ने कहा। एंड दीज आर दी वर्ड्स, ये मैं शब्द से आपको बता सकता हूं, ये शब्द कहे गांधी ने। तो उसका विरोध करते करते लोग ये भूल जाते हैं कि गांधी ने ऐसे पैसिव नॉन वायलेंस को नहीं मानते थे। अहिंसा आफ्टर गांधी इज दस डिफरेंट फ्रॉम द अहिंसा ऑफ द मोहनदास मोड बनिया और रिलेटेड टू जैन मॉन्क्स, वेरी डिफरेंट। सो अहिंसा का विरोध क्यों करते हैं लोग, कहते हैं गांधी ने होता तो अपने सत्र कैसे लाएंगे, गांधी कभी नहीं कह सत्र मत लाओ, कहा ना वर्ल्ड वार में कहा सैनिक भेजो,
यस नेहरू जी को कहा था, अरे भाई वो करो ना, फौजें आ रही है वहां की, वो वहां से कश्मीर का, सेंड, तुरंत भेजिए वहां पर आर्मी भेजिए, ये कहा था गांधी ने। तो इसीलिए आप उसमें धर्म पालन के लिए धर्म हिंसा तथे ऊंचा, यानी कि उनको उनके राष्ट्र के धर्म की पालना करने के लिए आप ऐसे बैठ के बैठ जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, गांधी कुछ नहीं, कभी नहीं कहा था, कभी नहीं कहा था। इस लोग कहते हैं ऐसा कहा था इसलिए विरोध कर रहे, गलत बोल रहे हैं। कहते थे वो थे कि दुनिया में जब जब तक और देश अहिंसक नहीं है तब मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, ऐसा आदर्श बने, पर जब तक ये नहीं बना है तब तक मैं चाहूंगा कि हमारा डिफेंस भी मजबूत होना चाहिए, और उन्होंने ये करवा करके और व्यवस्था करी भी थी। तो जानते नहीं इस कारण से करते विरोध जी। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स दैट स्टेट कैन बी एडमिनिस्टर्ड नॉन वायलेंटली ओनली इफ द वास्ट मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज हैबिचुअली नॉन वायलेंट, टिल दैट दोज आर नॉट हैबिचुअल नॉन वायलेंट देन नॉन वायलेंट स्टेट you can't imagine, right? Non-violent person you can imagine. ये बात अपना ये जो ग्रुप, अपना जो ये ग्रुप चलता है जिसमें आप वेबिनार भी आयोजित करते हैं, तो क्या आपको आपको इतने वेबिनार किए, 170 के करीब वेबिनार किए, तो आपका क्या अनुभव रहा? मतलब किस तरह का अनुभव, मतलब लोगों का, लोगों ने विचार अच्छे व्यक्त भी किए, कई बार वो नेगेटिविटी भी आ जाती है, और इसका प्रसार प्रसार के हिसाब से क्या अनुभव लगता है? आना चाहिए उसपे कोई, गांधी गांधी ने तो, गांधी के विरुद्ध सबसे ज्यादा कहने वाले लोग होते थे। एक बार गांधी के पास में बहुत बड़ा 5-6 पेज का एक बहुत बड़ा उनके क्रिटिक का मुकदमा है, वो कागज आया, गांधी ने पढ़ा, पढ़ करके कहा कि उसका पिन निकाला और पास रख लिया, क्यों पिन यहाँ बनता नहीं था, स्टील का पिन था, तो ये क्या ये काम का नहीं, फाड़ के फेंक दिया, पिन काम की चीज कर दिया। गांधी का विरोध करने के लिए जब अजमेर का, उनका केवल अजमेर में आए थे, केवल उनका 2 बार या 3 बार विजिट हुआ अजमेर, ब्यावर के कहीं और गए नहीं थे, क्योंकि वहां ब्रिटिश राज था। वहां पर आपको मालूम है, वहां पर जो जिसने गांधी का विरोध किया था, कहा मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ गांधी से, हरिजनों के उस पे अंदर जो प्रवेश के खिलाफ मैं आंदोलन कर रहा हूँ, काले झंडे दिखाऊंगा, लाल नाथ जी ने काले झंडे दिखाई भी थी उनको, उनको साथ ले गए, उनको कहा कि चलो मेरे साथ मेरे मंच पर आकर मेरे मेरे खिलाफ भाषण दो, देते रहे और बनारस तक पहुंचे कि महाराज माफ करो मैं बोला नहीं जाता अभी खिलाफ मेरे से अभी। और जिन्होंने शास्त्रार्थ करने के लिए कहा था कि करूंगा वे, तो गांधी जी ने कहा सेकंड डे जब उनका भाषण हुआ तो कहा कि जो हमें शास्त्रार्थ करना चाहते हैं उनको कहिए मैं उनसे हार गया हूं, वो जीत गए मैं हार गया, अब क्या करने। और वो बाद में आचार्य स्वामी निरंजन उड़ीसा के शंकराचार्य बने। तो गांधी का ये कहना था कि मेरे खिलाफ बोलना है जो खूब बोलो ना, बोलो कोई दिक्कत नहीं, और ऐसा जब बोलने सही तो व्यक्ति परिपक्व होता है, हर जीव व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई मिलता, कितने हमले हुए उनके ऊपर, उनका बिगड़ा था किसी का, जाओ अच्छा तुम आगे। अब आपको घटना मालूम नहीं, एक बार सांप घुस गया उनके उसके अंदर, मेरा बहन उस पास बैठी थी, यानी ठहरे कुछ नहीं करेगा, अहिंसक सांप है, अहिंसक सांप है, अरे हाँ सांप के, अरे ऐसे बहुत सारे सांप घूमते रहते हैं, मतलब ये तो बेचारा सांप है, आदमी घूमते रहते हैं जो मेरे को मारना चाहते थे, कोई बात नहीं। गांधी का वहां नाम होगा तो उसके खिलाफ बातें आएगी, बिल्कुल होना चाहिए, सही बात है। अच्युत उद्धार के जो कार्यक्रम चलाया उसमें उन्होंने बहुत बार कहा कि मैं भी सनातनी हिंदू हूँ, ये बड़ा उनको, जबकि थोड़ा सा उनके खिलाफ जबरदस्त आलोचना होने के कारण उन्होंने लिखा है कि हमारा परिवार प्रणामी संप्रदाय का सनातनी है जी, प्रणामी संप्रदाय का सनातनी है, उन्होंने खुद ही लिखा है उसमें, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन जहां तक हरिजनों के प्रवेश का और उनका जो आंदोलन चलाने का प्रश्न है, उन्होंने ये भी लिखा है कि
if the untouchability is the integral part of Hinduism, if it is proved by anyone, I will be the first rebel of that system. I'll be the, because I know the untouchability is not and was never the integral part of Hinduism. It is like sixth finger of Hinduism. So उन्होंने उसमें गुजराती में कहा आभड़ छेट अधकेरु अंग, ये छठी उंगली है उसको हटा देना चाहिए, अगर जुड़ गया है तो कोई काम की नहीं होती, वो एंटी अपेंडिक्स से हटाना चाहिए, पर मैं जानता हूं कि वो है नहीं, अनटचेबिलिटी हिंदुइज्म का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, होगा तो आप पहला रिबेल होऊंगा, ये बात थी। राइट जी, एक लास्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जी जो ये शांति अहिंसा निदेशालय बनाया, क्या देश स्तर पर इस तरह का निदेशालय नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि गांधी जी का जो विचार है वो तो हमारे जो प्राचीन भारतीय संस्कृति को ही थोड़ा सा और परिष्कृत करके आगे आया है, तो हमारे देश को क्या इस विचार को आगे बढ़ाने का लिए ऐसा निदेशालय नहीं बनाना चाहिए? ये नेताओं की बात है, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसका तो क्या कह सकते हैं, कि अब अच्छी बात है गांधी के प्रचार प्रसार के बारे में अच्छी अच्छी बातें हो, पर प्रश्न ये है कि कैसे निदेशालय बने, निदेशालय की गतिविधियां या निदेशालय को रन करने वाले लोग कौन है और किस तरह से उसको गांधी के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार होता है, इस पर बहुत डिपेंड करता है। निदेशालय कुछ भी हो तो कुछ सिद्धांत तय होने चाहिए कि ये यहां संबंधित व्यक्ति ये करेगा और ये नहीं करेगा, ऐसा तो करेगा ऐसा नहीं करेगा, तो वो संबद्ध लोगों का जो कारण होता है वो उनकी साफल्य का प्रमाण होता है और साफल्य होता है, अन्यथा ये सरकारी संस्थान बन के रह जाता है, कौन लोग हैं जिनको लेना चाहिए और जो अपने जीवन में गांधी को कितना अपनाते हैं, वैसे कितने लोग हैं वो अधिक, मैं नहीं कहता है या नहीं है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, जितने ज्यादा होंगे तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे संस्थान बनने ही चाहिए, और बनने में भी काफी हैं, लेकिन अगर उसमें ही खोट आ जाती है तो गड़बड़ होता है। सही बात है, गांधी के सिद्धांतों को मानते हुए व्यवस्थाएं होनी चाहिए। सही बात, भले पहनावा हो चाहे अपरिग्रह हो चाहे मिनिमलिस्ट हो चाहे सत्य हो चाहे नैतिकता हो, आपको मालूम है ना टाटा जमशेद टाटा का एक मामला है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये एक टैक्सेशन के बारे में उनको किसी ने पेश किया कि सर ये अपने ये काम हम करे थे 1,00,000 की बचत होगी, तो उन्होंने पूछा लीगल है, हाँ लीगल है, तो क्या ये नैतिक है, सर नैतिक नहीं है तो नहीं करना है, सर इतने लाखों का नुकसान हो जाएगा, हो जाए, लीगल तो है पर नैतिक नहीं है तो मेरे संस्थान में ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा उनका बात कहा जाता है उसका, गांधी भी कहते थे कि लीगल है काम, हाँ लीगल है, नैतिक है, नैतिक नहीं है तो नहीं करना है। बहुत बड़ी बात थी, बड़ा सो ये महत्वपूर्ण बात, ये महत्वपूर्ण बात है, नैतिकता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी सब चीजों से ज्यादा नैतिकता महत्वपूर्ण है। एग्जैक्टली, एथिक्स इज कॉर्नरस्टोन ऑफ एनी पर्सनैलिटी, एथिकल वे ऑफ लिविंग इज कॉर्नरस्टोन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ एनी कंट्री, पर्सन यदि वो नहीं है तो फिर कोई तात्पर्य नहीं है। यद्यता चरति श्रेष्ठ तत्तेत्रो जन स यत् प्रमाणम कुरते लोकस्त अनुवर्तते, समाज में श्रेष्ठ जिनको समझा गया है वो जैसा आचरण करते हैं और समाज के लोग उसका अनुसरण करते हैं, इसलिए जिनको श्रेष्ठ समझा गया है वो श्रेष्ठ हैं चाहे नहीं है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ऐसा आचरण करें तो गांधी तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और उनको विशेष कार्य दूसरे तरह के करने चाहिए, वो नहीं करता है तो गांधीयन, मुझे को क्या आप गांधीयन है, आई एम नॉट गांधीयन, क्यों गांधीयन कौन हो सकता है, कोई व्यक्ति कहता है मैं गांधीयन हूं तो झूठ बोलता है, क्यों, क्योंकि गांधीयन होना आसान नहीं है, गांधी के सिद्धांतों को अपनाना अलग बात है, गांधीयन होना एक बहुत बड़ी बात होती है।
भी बड़ा बोल होता है बहुत। बिल्कुल संवाद को तो उस तक हमारा जो मैसेज है गांधी दर्शन के बारे में, गांधी जी के बारे में, वो निश्चित रूप से पहुंचेगा और लोग समझेंगे कि हमारे देश को, दुनिया को गांधी दर्शन की कितनी ज्यादा जरूरत है। जी गांधी का दर्शन हरि अनंत हरि कथा अनंता है। जी बराबर, हरि अनंत हरि कथा अनंता है, इसीलिए इतने में रुकता नहीं, न जाने कितनी बातें हैं। और मैं फिर बता दूं कि जो अपन ने बातें करी है हम लोगों ने, उसमें कई बातें ऐसी है जिसको और ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता महसूस होगी, क्योंकि कभी कभी ऐसी बातें असत्य हो जाती है। इसलिए एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस अगर होता है तो ज्यादा अच्छा रहता है। आप करते रहिए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके इस प्रयत्न को, ये जो आपने शुरू किया है बहुत उत्तम कार्य है और आप इसको आगे बढ़ाएं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन वेबिनार में आते रहें। जी बिल्कुल, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।